हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन उपल आपका स्वागत करता हूं सेहत और लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपेंडिसाइटिस के कारणों के बारे में बताने वाला हूं कि अपेंडिक्स होती कैसे है। अपेंडिक्स 3 से 4 इंच की उतक यानी कि टिश्यूज़ की बनी एक ट्यूब जैसी होती है, जो पेट के निचले राइट साइड वाले हिस्से में छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान के पास होती है। और अपेंडिसाइटिस के लक्षण होते हैं पेट के निचले राइट साइड वाले हिस्से में दर्द, मितली, उल्टी, भूख में कमी और बुखार। अपेंडिसाइटिस की बीमारी में अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। ऐसा अपेंडिक्स के खोखले हिस्से के अवरोध के कारण होता है और ऐसा आमतौर पर मल के कारण होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, परजीवी, पित्त की पथरी या ट्यूमर भी रुकावट का कारण हो सकते हैं। इस रुकावट के कारण अपेंडिक्स के अंदर दबाव बढ़ जाता है, अपेंडिक्स के टिश्यूज़ में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो घट जाता है और बैक्टीरिया की वृद्धि होने लगती है, जिससे सूजन होती है। इस सूजन और अपेंडिक्स को घटे हुए ब्लड फ्लो की वजह से टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं और टिश्यूज़ मरने लगते हैं। अगर इस स्थिति का उपचार ना किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकती है, जिससे बैक्टीरिया पेट में फैल सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, यानी कि स्थिति गंभीर हो सकती है। गंभीर अपेंडिसाइटिस का इलाज आमतौर पर सर्जरी के द्वारा किया जाता है। सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है और अगर किसी मामले में बीमारी ज़्यादा गंभीर ना हो तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर भी इसका इलाज किया जाता है। तो ये तो था कि अपेंडिक्स की बीमारी किस प्रकार होती है। इसके लक्षणों के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो डिटेल में बना रखा है। इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आपको वह वीडियो भी नज़र आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में मैं अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी वह वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लेकिन बेल का बटन जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।